रांची एसपी ऑफिस। मासूम बच्ची ने थाना प्रभारी पर लगाया मारपीट करने का गंभीर आरोप। परिजन बोले न्याय नहीं मिला तो बैठेंगे धरने पर। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के गौरेहार थाना क्षेत्र के ग्राम अलीपुर में रहने वाले राम राजा दीक्षित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर गौरेहार थाना प्रभारी पर मारपीट कर जबरन फर्जी केस में बंद करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घर की मासूम बच्ची ने मीडिया को बताया कि थाना प्रभारी और उनकी टीम ने परिजनों के साथ मारपीट कर अवैध शराब तस्करी का फर्जी केस लगाकर थाने में बंद कर दिया। परिजनों ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठेंगे। वही इस मामले में एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की है आप? अलीपुर। क्या हुआ है? हमारे पापा लोगों को मारा है, हमारे दादा लोगों को और पापा लोगों को जेल में डाल दिया है और दादा बंदूक लिए थे तो उनकी बंदूक छुड़ाकर और लाइसेंस छुड़ाकर वो किसने मारा है आपके दादा? हेमंत सिंह। कौन है जसवंत सिंह? ये दरोगा है। क्या क्या किया है उनने? मारा है और फोन फोड़ डाला है लातों से। हाँ, और ए दादा की बंदूक छुड़ाई है, लाइसेंस उनको भी मारा, हमको मारा है, सब लोगों को मारा है और हम लोगों पे केस लगाया। क्या झूठी केस लगा दिया है? हाँ, झूठी केस लगाया है। दारू नहीं वो लोग बेचते हैं, उनने दारू पीते ही नहीं है, छूते तक नहीं है। झूठा केस में फंसा? हाँ, झूठे केस में फंसा दिया। क्यों फंसा दिया उन्होंने? अब पता नहीं, उनकी पहले से दुश्मनी होगी। आज कहाँ आप आई है? आप हम यहाँ पे छतरपुर पे आए। क्या कहा है यहाँ पे? कहे थे कि वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको छोड़ देंगे आपके। राम राजा दीक्षित। कहाँ के हैं आप? अलीपुर के। कौन सा गांव है थाना लगता है आपका? गौरेहार थाना। क्या हुआ है आज, कैसा आवेदन दिया है, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ में, हम खेत काट रहे थे, रेवना के पास में हमारा खेत है, हमने रेवना का खेत खरीदा था ठाकुरों का, तो उसमें वहाँ हम 9 बजे काटने के लिए हम और हमारे भाई और गांव के लोग बाग लेवा के कटैया वगैरह लेवा के हम गए थे काटने के लिए। खेत काटते काटते शाम के 4 बजे जसवंत सिंह और उनके साथ में एसआई विश्वकर्मा तो और हरिशरण और पाठक सैनी ड्राइवर, ये ऐसे 7 लोग आए और रामपाल दीक्षित और अशोक दीक्षित और ऋतुराज दीक्षित और भरत दीक्षित को उठा के ले गए और हमसे बोले कि तुम चले आना और कागज लेके चले आना और अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले आए। हम कागज लेके जब थाने गए तो उनकी मारपीट कर रहे थे, हमने कागज दिखाए, हमने कहा सर ये कागज देख लीजिए और कागज अपनी रजिस्ट्री दिखाई तो बोले कि रजिस्ट्री की फोटोकॉपी करा के लाओ, तो हम अपनी फोटोकॉपी करा के दी। फिर इसके बाद में वो बोले कि जाओ फोटोकॉपी करा के जब दी हमने तो बोले कि अब इसकी आप वो निकला के नकल निकला के लाओ, तो हम नकल निकला के लेके गए। अब इतने समय शाम के 6 बज रहे थे, हमने कहा कि सर अब सब कागज़ देख लिए हो, अब आप छोड़ दो, तो बोले हम नहीं छोड़ेंगे, हमको 50,000 रुपये दो तो हम छोड़ सकते हैं, नहीं एसआई से जाके सीधा डायरेक्ट बात करिए आप। तो हम एसआई के पास गए, एसआई से हमने कहा कि सर हमारे पास पैसे तो इतने नहीं हैं, वो बोले कि कुछ बहुत कम ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं हम ऐसा फर्जी केस ठोकेंगे कि साले तुम जिंदगी भर याद करोगे। और उन्होंने वही प्रक्रिया की, सुबह पहर जब हम शाम के उतनी समय अपने घर चले आए तो सुबह पहर उन्होंने हम गए तो अपने पिताजी से मिले तो उन्होंने बताया कि इन्होंने दारू और एक बाइक और 25-27 का केस हमारे लगा दिया है फर्जी और खेत से उठा के लाए हैं और कह रहे थे कि ये दारू उतारते हुए पकड़े गए हैं। क्या फर्जी केस में झूठा फंसा दिया? हाँ हाँ बिल्कुल, फर्जी केस में झूठा फंसाया है बिल्कुल, उसकी उसी अपनी बाई बाई लूटने के चक्कर में झूठा फंसा दिया। हाँ अपनी बाइक वो पहले से वो रखे रहते हैं 2-4 ठो थाने में, वही बाइक झूठी लगा दी, वही दारू झूठी लगा दी उनने।
आज आए हैं आप यहाँ पर जी? कहाँ आए हैं आज? आज हम आए हैं एसपी हेड क्वार्टर। क्या कहा है उन्होंने यहाँ? क्या उन्होंने हमसे कहा है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम फिर यहीं धरना धर के बैठ जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आवेदन लगाया है, उन्होंने पावती दी है और कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इसमें जांच बैठेगी, विवेचना होगी, आपके गांव अगल बगल के खेतों वालों से भी पूछा जाएगा। और जो कितने परेशान, कितने आप लोग हो रहे हैं सीमा से ज़्यादा, बच्चे भी साथ में कितने परेशान हो रहे हैं सीमा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कल से खाना नहीं खाया, कल से नंगे पैर भाग रहे हैं, थाने भागे, थाने से अदालत भागे, अदालत में आके पता चला कि केस हमारे पास में ये लगा है, और छतरपुर में भी आके हमें धमकी यही मिली और कुछ नहीं मिला।